नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम जबलपुर के महारानी दुर्गावती संग्रहालय में मौजूद हैं। ये डॉक्टर हीरा लाल राय कला वेदिका रानी दुर्गावती संग्रहालय है। महारानी दुर्गावती के बारे में बात करें तो महारानी दुर्गावती गौड़ राजवंश की महारानी थी, जो जबलपुर राज्य में राज किया करती थी। इनसे जुड़ा हुआ ही जबलपुर शहर में मदन महल स्थित है, और साथ ही साथ इस संग्रहालय में उनके समय से जुड़ी हुई, उनके पूर्वजों के समय से जुड़ी हुई और उनके समकालीन विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, विभिन्न प्रकार की चीजें संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। अब हम अपने कैमरे के द्वारा इस जगह पर स्थित मूर्तियां और इस जगह पर स्थित महारानी दुर्गावती से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतिमाओं के साथ साथ उनके समकालीन चीजों के दर्शन आपको अपने कैमरे के माध्यम से कराने की कोशिश करेंगे। संग्रहालय में जो मूर्तियां, जो प्रतिमाएं स्थापित हैं, वो प्रतिमाएं हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पहली प्रतिमा है, ये अक्षी प्रथम सदी की बनी हुई प्रतिमा है। उसके बाद यहाँ पर आदिनाथ जी की लगभग 10वीं सदी में बनी हुई प्रतिमा स्थित है। उसके बाद एक और छोटी सी प्रतिमा आप देख पाएंगे, जो बामन देव की प्रतिमा है, जो 10वीं सदी में बनी थी। वहीं पार्श्वनाथ जी की 11वीं सदी में बनी हुई प्रतिमा भी यहाँ पर स्थित है। कुछ प्रतिमाएं यहाँ पर और स्थित हैं, इस पे नाम तो नहीं लिखा गया है, हालांकि इस पे छोड़ा गया है। ये कुछ गुम्बद हैं जो द्रविड़ शैली के गुम्बद कह सकते हैं, और ये शिखर कलचुरी कालीन जबलपुर का शिखर है। उसके बाद ये मिथुन लगभग 12वीं सदी की बनी हुई ये प्रतिमा यहाँ पर। हीरा वाटिका के बारे में कहें तो हीरा वाटिका पटना द्वार का निर्माण स्वर्गीय राय बहादुर डॉक्टर हीरा लाल BMRAS ब्रिटिश कालीन डिप्टी कमिश्नर जो थे, उनके कटनी स्थित निवास स्थान रायवाड़ा से राय परिवार के सौजन्य से प्राप्त की गई प्रतिमाओं के द्वारा ये बना गया। फिर इसके बाद ये हीरा वाटिका के इसी परिसर में एक गेट निर्मित है। इस गेट में कई सारी छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। जिन प्रतिमाओं की हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि द्रविड़कालीन शैली में बनी हुई प्रतिमाएं हैं, और जिस प्रकार से साउथ इंडिया में जो मंदिर होते हैं या खजुराहो के जो मंदिर हैं, वहाँ पर जैसे कई सारी छोटी छोटी प्रतिमाओं से मिलकर के एक द्वार बनाया जाता है, विशाल द्वार बनाया जाता है, उसी तरीके का ये पूरा का पूरा द्वार है। हम इसको थोड़ा सा निकट से दिखाने के लिए अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को निकट से दिखाएं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देख सकते हैं हमने ये अलंकृत प्रतिमा स्तंभ देख पा रहे हैं, जो 11वीं सदी का बना हुआ है और दमोह से यहाँ पर लाया गया है। इसके बाद एक और तीर्थकर युक्त द्वार स्तंभ है, जो 11वीं सदी का बना हुआ है, जिसे भेड़ाघाट जबलपुर से ला करके यहाँ स्थापित किया गया है। इसी के बगल में एक प्रतिमा है श्री कृष्ण बत्सासुर वध के बारे में, जो दमोह की प्रतिमा है और लगभग 11वीं सदी की प्रतिमा है, जो यहाँ पर स्थापित है। और ये देख सकते हैं कि ये प्रतिमा भी है, यहाँ पर लिखा नहीं है हालाँकि कि कब की प्रतिमा है। यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रतिमाएँ हैं वो खंडित प्रतिमाएँ हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि टूटी हुई प्रतिमाएं हैं, जिनका कुछ अंश ही यहाँ पर है, पूर्ण प्रतिमाएं नहीं हैं। ये हरिहर लगभग 11वीं सदी की बनी हुई प्रतिमा है, जो जबलपुर की है। और इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी की सारी प्रतिमाएं खंडित हैं, और अर्धनारीश्वर लगभग 11वीं सदी की बनी हुई प्रतिमा है। इसका भी ऊपर का जो चक्र का हिस्सा है, जो सिर के पीछे का चक्र होता है, वो चक्र टूटा हुआ है। इसके साथ ही साथ अन्य कई भी हिस्से इसके खंडित हैं। ये नवग्रह पट्ट है, जो 11वीं सदी की बनी हुई प्रतिमा है जबलपुर की, जिसमें 1, 2, 3 कई सारे चेहरे हैं, लेकिन वो चेहरे पूरी तरीके से खंडित हैं। वहीं और आगे बढ़ने पर कार्तिकेय जी की 11वीं सदी की प्रतिमा है। उसके बाद ये पार्वती जी की 11वीं सदी की प्रतिमा है, जो दमोह की है। और इसी तरीके से ऋषभनाथ जी की 11वीं सदी की प्रतिमा स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका पूरा का पूरा शरीर तो है, लेकिन सर पूरी तरीके से खंडित है और सर नहीं है इस प्रतिमा में। यज्ञवाराह जी की 11वीं सदी की ये प्रतिमा है,
और जिसमें आगे का पूरा हिस्सा खंडित दिखाई देता है। ऐसी ही कई सारी प्रतिमाएं हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो इन प्रतिमाओं को क्रमशः दिखाते चलें। नृसिंह 11वीं सदी, कुबेर 11वीं सदी जबलपुर की ये प्रतिमा, उसके बाद ये तीर्थंकर 11वीं सदी जबलपुर की ही प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, और फिर 11वीं सदी की जबलपुर की प्रतिमा ये पार्वती जी के हैं। स्थापत्य स्थान है 11वीं सदी का ये भी है और जबलपुर का है, ये खंडित प्रतिमा है। उसके बाद फिर से एक हम खंडित प्रतिमा देख सकते हैं जिसमें कई सारी प्रतिमाओं का समूह है। ये नायिका प्रतिमा है 11वीं सदी की, एक प्रतिमा यहाँ पर भी है जो खंडित प्रतिमा कह सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ जो हम प्रतिमाएं देख पा रहे हैं वो लगभग 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं हैं, और विभिन्न आक्रमणों की वजह से कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि समय के परिवर्तन की वजह से ये प्रतिमाएं ज़्यादा तौर पर खंडित हो चुकी हैं। शार्दुल प्रतिमा है तेवर जबलपुर की 11वीं सदी की। मल्ल की प्रतिमा है ये नंदी प्रतिमा है, ये 19वीं सदी की है, लगभग 150 साल पुरानी। सिल्वखंड 10वीं सदी। ऐसी यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाएं स्थित हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पद्मधारिणी लगभग 10वीं सदी की दौनी दमोह की प्रतिमा है। फिर एदिकपाल प्रतिमा है जबलपुर की 10वीं सदी की बनी हुई। गणेश जी की ये तेवर जबलपुर की प्रतिमा 11वीं 12वीं सदी की बताई जाती है। ऐसी ही और कई सारी प्रतिमाएं हैं। ये कार्तिकेय जी की प्रतिमा है जो 12वीं सदी की है। ब्रह्मा जी की ये प्रतिमा आप देख सकते हैं जिसका एक हिस्सा खंडित है, जो कटनी से 11वीं सदी की प्रतिमा है। और अप्सरा की ये प्रतिमा है जो 11वीं सदी की हिरिस्कुड़ी दमोह स्थान। उसके बाद ये द्वार शाखा है, द्वार शाखा जो गेट में लगने वाला एक मुख्य स्तंभ कहा जा सकता है, ये भी द्वार शाखा है जबलपुर 10वीं सदी का। फिर विष्णु जी की 11वीं सदी की प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। और अब है ये शिव मस्तक जो 8वीं सदी का है जबलपुर का। ऐसे ही कई सारी और प्रतिमाएं हैं। 10वीं सदी के कार्तिकेय जी की प्रतिमा है, और ये बिरुलिका दौनी दमोह की प्रतिमा 10वीं सदी की। फिर वराही 10वीं सदी दौनी दमोह, जैन तीर्थंकर 19वीं सदी जबलपुर, नायिका 14वीं सदी जबलपुर, गौरी दौनी दमोह की 9वीं सदी की ये प्रतिमा। उसके पश्चात ये उमा महेश्वर हैं, लगभग 12वीं सदी की प्रतिमा जबलपुर की बताई जाती है। नायिका ये 13वीं सदी की प्रतिमा, और इसके बाद फिर से ये नायिका 13वीं सदी की प्रतिमा। ये दोनों अलग अलग प्रतिमाएँ हैं जिनका कुछ हिस्सा खंडित हो चुका है। गरुण की ये प्रतिमा है 12वीं सदी की जबलपुर की, जिसका ऊपरी हिस्सा खंडित है। फिर उसके बाद ये आयुध पुरुष, इनकी प्रतिमा खंडित नहीं कही जा सकती है, इसका एक हिस्सा टूटा हुआ है दूसरी तरफ। ये देवी हैं तेवर जबलपुर की 13वीं सदी। बने रहे द खबरदार न्यूज़ के साथ।